नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। काबुल ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने किया ट्वीट। काबुल में कल हुए धमाकों के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने काबुल अटैक को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। काबुल एयरपोर्ट पर फिदायिन हमले में अमेरिकी सैनिकों समेत 72 लोगों की मौत। बाइडेन ने कहा, आतंकियों को माफ नहीं करेंगे, सजा देंगे। आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमलों में कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत, बताई ये वजह। हरीश रावत का कहना है कि वे अपना पूरा ध्यान उत्तराखंड के चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं, हालांकि इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाई कमान को करना है। खत्म नहीं हुआ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा, आज फिर दिल्ली पहुंचेंगे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल के समर्थक कहे जाने वाले कई विधायक गुरुवार रात दिल्ली पहुंचे हैं और कई अन्य विधायक कल दिल्ली पहुंच सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हमले में 12 अमेरिकी नौसैनिकों की मौत, कई घायल। अधिकारियों ने कहा है कि ब्लास्ट में अमेरिका सेना के कई जवान भी घायल हुए हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह के डिनर में नेताओं ने प्रस्ताव किया पास, 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस डिनर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है। जोखिम के बाद भी हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकालने में सफल रहे हैं, बाइडेन। उन्होंने कहा है कि हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं और हम आतंकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम आतंकवादियों को अपने मिशन में रुकावट नहीं बनने देंगे, अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालेंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट, रूट मलान की बेमिसाल पारी, भारत पर इंग्लैंड ने बनाई 345 रनों की विशाल बढ़त। स्टंप तक क्रेग अवर्टन 24 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि ओली रॉबिन्सन ने खाता नहीं खोला था। काबुल एयरपोर्ट धमाका, सभी भारतीय सुरक्षित, तालिबान ने ISIS पर ब्लास्ट का जताया शक। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट सीरियल फिदायिन ब्लास्ट में 60 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हो गई है। धमाके में 4 अमरीकी मरीन कमांडो की भी मौत हो चुकी है। वहीं फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों में 10 अमेरिकी मरीन कमांडरों की मौत हो गई है। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत, पेंटागन ने की पुष्टि। काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर धमाका होने की खबर बताई थी। बताया जा रहा है कि कुल 2 हमलावर थे, एक ने खुद को बम से उड़ा दिया, दूसरे ने फायरिंग की। इस ब्लास्ट में 3 अमेरिकी सैनिकों के जख्मी होने की खबर है। काबुल को लेकर हमारी चेतावनी सही निकली, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बयान। अमेरिका के एक अधिकारी का कहना है कि निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि काबुल हवाई अड्डे के पास हुए बम विस्फोट के पीछे इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह का हाथ है। अधिकारी ने कहा है कि 2 आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा बृहस्पतिवार को किए गए हमले में अमेरिका के सैनिक घायल हुए हैं। दिल्ली के मोहम्मदपुर का नाम बदलकर होगा माधवपुरम, मिली अग्रिम मंजूरी। जोनल मीटिंग में पास होने के बाद मोहम्मदपुर को माधवपुरम में बदलने का प्रस्ताव नगर निगम की नामकरण समिति में पास हो गया है। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के बाद कमेंट्री पैनल छोड़ेंगे कार्तिक, IPL के लिए भरेंगे उड़ान। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे चरण के लिए दिनेश कार्तिक मौजूदा तीसरे टेस्ट के बाद इंग्लैंड में कमेंट्री पैनल को छोड़ देंगे। हिमानी बुंदेला बनी KBC 13 की पहली करोड़पति, 7 करोड़ के सवाल का भी दिया जवाब। आगरा की रहने वाली और पेशे से टीचर हिमानी बुंदेला ने सवाल का सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मोहम्मद शमी को है भरोसा, इंग्लैंड के खिलाफ भारत करेगा दमदार वापसी। शमी ने मैच में कुल 3 विकेट लिए हैं। शमी के अलावा मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 2-2, जबकि जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिले हैं। प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट पहुंचे अनुपम खेर, खाने का उठाया लुत्फ, एक्ट्रेस के लिए कही ये खास बातें। अनुपम खेर ने प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट में डिनर किया, उन्होंने वहां जाकर शेफ के साथ भी फोटोज शेयर की हैं।
दिल्ली कैपिटल्स के शर्मेन हेटमायर ने मचाया धमाल, सीपीएल में खेली दमदार पारी। गुयाना के लिए हेटमायर ने 54 रनों की शानदार पारी खेली है। इस दौरान उन्होंने 41 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 2 बेहतरीन छक्के भी जड़े। नेहा धूपिया के बर्थडे पर पति अंगद बेदी का खास पोस्ट, फोटो शेयर करते हुए लिख दी अपने दिल की बात। अंगद बेदी ने पत्नी नेहा धूपिया संग फोटोज शेयर की हैं, साथ ही उनके लिए सोशल मीडिया नोट भी लिखा। शिबानी दांडेकर के बर्थडे पर फरहान अख्तर का खास पोस्ट, शेयर की अनदेखी तस्वीर। एक तरफ फरहान अख्तर ने शिबानी दांडेकर को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया, तो दूसरी तरफ शिबानी ने उनके नाम का टैटू कराया है। राज कुंद्रा केस के बीच इमोशनल हुई शिल्पा शेट्टी, पोस्ट में लिखा गलती हुई। शिल्पा शेट्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। जिंदगी को लेकर पोस्ट शेयर करने के बाद अब उन्होंने गलती से संबंधित एक नया पोस्ट शेयर किया है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल टीवी वंशिका चौहान के साथ।